अगर आपको क्राइम की कहानियां पसंद हैं, तो आपको कानपुर के इस दिल दहला देने वाले केस के बारे में जरूर सुनना चाहिए। कानपुर में एक महिला लापता होने के 4 महीने बाद मृत पाई गई, और सबसे बड़ा संदिग्ध उसका जिम ट्रेनर विमल सोनी। सोनी ने दृश्यम फिल्म से इंस्पिरेशन लेकर उसके शव को सरकारी आवास के पास दफनाने की बात कबूल की। सोनी की आने वाली शादी से परेशान होकर पीड़िता से उसका घातक झगड़ा हो गया। मोबाइल फोन से बचकर सोनी की हरकतों का पता लगाना मुश्किल हो रहा था। जांच पुणे, आगरा और पंजाब जैसे कई शहरों में फैली हुई थी। कोतवाली जिला पुलिस स्टेशन में दर्ज यह केस अभी चल रहा है। अधिकारी सोनी के कारनामों की गहराई से जांच कर रहे हैं, जिसमें पीड़िता के गहनों की संभावित चोरी भी शामिल है। इस घटना के बाद कानपुर पुलिस ने जिम ट्रेनरों के लिए शहर भर में वेरिफिकेशन ड्राइव शुरू कर दी है। इस खौफनाक केस के और अपडेट्स के लिए बने रहिए।